किसान आंदोलन के बीच प्याज किसानों के लिए, प्याज के कारोबारियों के लिए और प्याज के निर्यातकों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके आई है। जी हां, सरकार ने प्याज बैन को हटा लिया है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? समय से पहले प्याज पर लगे निर्यात के बैन को सरकार ने हटा लिया है। यह एक बड़ी खबर इस समय पर निकल करके आई है। आज सरकार ने प्याज किसानों के लिए, प्याज कारोबारियों के लिए और प्याज के निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत की सौगात दी है। प्याज के निर्यात को अनुमति दे दी गई है। अमित शाह, जी हां, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के अंदर में ये बैठक हुई और इस समिति ने, मंत्री दल के इस समिति ने यह फैसला लिया कि 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को अनुमति दी जाए और वो दे दी गई। इसके साथ ही बांग्लादेश को अतिरिक्त 50,000 मीट्रिक टन का प्याज का निर्यात होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 3.5 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात होगा। इससे सोमवार से ही, या यूं कहें कि आज रविवार से ही, शाम के समय से ही प्याज की कीमतों के अंदर एक उछाल देखने को मिलेगा। हमने इसकी आशंका, मार्केट टाइम्स टीवी ने इसकी आशंका अभी 4-5 दिन पहले ही जताई थी। और साथ ही जिस समय पर पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर में एनसीपी के मंत्रियों द्वारा प्याज निर्यात के मुद्दे को उठाया गया था, उस समय पर मार्केट टाइम्स टीवी ने आशंका जताई थी कि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार प्याज के निर्यात को समय से पहले खोल सकती है। आपको बता दें, 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर बैन लगा हुआ था, लेकिन समय से पहले ही, यानी तकरीबन सवा महीना अभी पड़ा हुआ था, सवा महीने पहले ही प्याज के निर्यात को खोल दिया गया है, तुरंत प्रभाव से खोल दिया गया है। प्याज के जो किसान हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है ये। इसके साथ ही प्याज के जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बड़ी राहत है। चुनावी दौर है और इस चुनावी दौर के अंदर में सरकार का ये फैसला काफी अहम हो जाता है। अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने प्याज की कीमतों को काफी नीचे आते हुए देखा। अभी पिछले हफ्ते की, सप्ताह की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र की कुछ मंडियों से यह खबर निकल करके आ रही थी कि प्याज 1 रुपए प्रति किलो पर बिकने लगा है, तो ये काफी चिंता की बात थी। और इसके साथ ही जब बजट सत्र के अंदर में जो एनसीपी के नेताओं के द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, तो सरकार वो मुद्दा किसी के हाथ में जाने नहीं देना चाहती थी, तो इसलिए प्याज के निर्यात को तुरंत प्रभाव से खोल दिया गया है। 3,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात होगा, जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन प्याज का जो निर्यात है केवल बांग्लादेश को होगा। ये अभी तक की बड़ी खबर है और ये एक्सक्लूसिव आपके पास में खबर है। और अब प्याज की कीमतों के अंदर में इजाफा आना तय है। प्याज के कारोबारियों के लिए ये काफी बड़ी राहत की बात है। मंडी के अंदर में सबसे बड़ी जो राहत की बात है वो है प्याज के किसानों को। जी हां, महाराष्ट्र के किसानों को इससे काफी राहत मिलेगी, राजस्थान के किसानों को और गुजरात के किसानों को इससे काफी राहत मिलेगी। जो प्याज की कीमत उनको नहीं मिल रही थी, अब अच्छे दामों के ऊपर उनका प्याज का उठाव होगा। और प्याज की ये बड़ी खबर मार्केट टाइम्स टीवी पर।